सो हे गाइस, व्हाट इज अप, माय नेम इज नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू द पैशन प्रो BS6 का। और आज है मेरे साथ इनके ओनर रवि भाई, जो मेरे मित्र भी रह चुके हैं, बचपन के मित्र हैं ये मेरे। और रवि भाई इसका ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं कि ओवरऑल जो बाइक है वो कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी माइलेज कैसी है। तो जो भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो जेन्युइन होगी, और जो भी हमने ऑब्जर्व किया है वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। रवि भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपने जो है पैशन प्रो BS6 ही क्यों ली, इसके अलावा जो और आती है स्प्लेंडर है, डीलक्स है, वो क्यों नहीं ली? दरअसल ये लुक इसका काफ़ी अच्छा था, बेहतरीन था देखने में, और प्लस इस गाड़ी का जो इसका BS4 वर्जन आया हुआ था वो काफ़ी बेटर था। यानी जो BS4 वाला जो वर्जन था वो ज़्यादा बेहतर था, काफ़ी भरोसेमंद था, इसलिए पैशन कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल गाड़ी रही है BS4। अच्छा, बट BS6 थोड़ा सा डल है उसके सामने। अच्छा, तो इसके लुक की वजह से आपने ली, और जो पिछला जो भरोसा चला आ रहा था उसकी वजह से आपने पैशन प्रो BS6 ली है। मैं आप लोगों को इसका मीटर दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये लगभग 8,843 किलोमीटर चली हुई है टोटल, और गाड़ी लगभग एक साल पुरानी है। सबसे पहले हम लोग पूछते हैं इस बाइक की अच्छाइयों के बारे में कि इस बाइक में क्या अच्छी चीज़ें हैं जो एक साल में रवि भाई ने आपने ऑब्जर्व की है, तो अच्छी बातें बताएं इस बाइक की। गाड़ी की अगर अच्छी बात की जाए तो लुक इसका काफ़ी बेहतरीन है, प्लस इसका माइलेज भी ठीक ठाक है। अच्छा, बेटर माइलेज है और लुक अच्छा, चलाने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हाँ। जैसे पुरानी पे भरोसा था वैसे कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो यानी लुक्स इसके अच्छे हैं और कंफर्टेबल है बाइक चलाने में। बिल्कुल। और इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा है? इंजन परफॉर्मेंस भी ठीक है इसका। अच्छा, लाइक इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ इशू? गियर बॉक्स कैसा है? गियर बॉक्स भी सही है, कोई इशू नहीं है उस तरह माइनर, अगर देखा अच्छा, जाए मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है बाइक। अच्छा, यानी बाइक का जो इंजन है वो बढ़िया है, कभी बेटर। ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं आई बाइक के इंजन के साथ अभी एक साल के दौरान? नहीं आई है। और सर्विसिंग इसमें कितनी हो चुकी है अभी तक? इसमें टोटल अभी 3 सर्विसिंग हो चुकी है, चौथी में लगी हुई है। अच्छा, 3 सर्विस हो चुकी है, और सर्विस में लगभग अप्रॉक्स खर्चा कितना आ जाता है इसका? ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं 400 रुपये, बस 400 रुपये के लगभग। तो यानी ये जिसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सर्विस ना के बराबर। आप समझो कि 400 रुपये क्या होता है एक बाइक की सर्विस के लिए, आप 300 रुपये का तो केवल इंजन वाली आता है। तो हीरो की बाइक होने की वजह से इसका जो सर्विस है वो काफ़ी चीप पड़ता है। वाइस भी देखा जाए तो इंजन का जो परफॉर्मेंस है इन्होंने जो बताया वो काफ़ी बढ़िया है, और बाइक ओवरऑल कंफर्टेबल है। सो गाइज, ये तो बात थी इसकी अच्छाइयों के बारे में, और अब जान लेते हैं इसकी कमियों के बारे में, क्योंकि बाइक जो है कमियों के साथ भी आती है, और एक साल चला चुके हैं तो रवि भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा कि इस बाइक में और क्या कमियाँ हैं। तो भाई आप बताओ पहली कमी के बारे में जो आपने इसमें ऑब्जर्व की हो, या सबसे बड़ी जो मेज़र कमी आपको लगी हो। मेज़र कमी इसकी ये है कि इसका दरअसल थोड़ा सा स्पीडोमीटर ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, स्पीडोमीटर ठीक ठाक नहीं, यानी कि स्पीडोमीटर एरर बहुत है इसमें? है इसमें। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से जहाँ तक BS6 में शायद काफ़ी बाइक्स ऐसी आई हैं। हाँ हाँ, डिजिटल मीटर में मैंने भी देखा है, जेनरली जो स्पीडोमीटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जेन्युइन नहीं होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गलत भी बताता है। और इसके अलावा इसमें कोई पार्ट चेंज हुआ है क्या जो प्रॉब्लम के थ्रू? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं चेंज हुआ इसके। अच्छा, एक साल से इसमें कोई काम नहीं हुआ, केवल सर्विसिंग हुई है। केवल सर्विसिंग हुई है, और भी इसमें और कोई मेजर काम नहीं हुआ, ना मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें केवल स्पीडोमीटर का एरर है, और स्पीडोमीटर है, थोड़ा सा इसका सेल्फ भी डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, सेल्फ भी कैसे डिस्टर्ब हुआ था? डिस्टर्ब क्या, दरअसल ये चलते चलते जैसे आप बाइक चलाते हैं तो ये बंद हो जाती है। अच्छा, अचानक चलते चलते। इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये बाइक मोड़ने के दौरान जो है बंद हो जाती है। आप शायद फिक्स हो गई हो नई पैशन प्रो पे, लेकिन ओल्ड वाली पैशन प्रो पे ये शिकायत थी, और अब ऐसी शिकायत है इसके साथ कि अब फिलहाल हो गई है? अभी तो सर्विसिंग कराएंगे तब पता चलेगा। चौथी? अच्छा अच्छा, तो यानी अभी भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इस मोटरसाइकिल के साथ, यानी ये मोटरसाइकिल टर्न करने के दौरान बंद हो जाती है, ये थोड़ी सी इस बाइक के साथ मेजर प्रॉब्लम है। और बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे इस बाइक के रिगार्डिंग कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसकी हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग बेटर है सिटी में और हाईवे में चलाने में, जहाँ पर आप ले जाइए बाइक को। अच्छा अच्छा, स्मूथ काफ़ी है चलने में। अच्छा, स्मूथ है बाइक। तो चलो मैं आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। आप एग्जॉस्ट साउंड सुने और फिर बताएं कि इसका एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो अभी तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट साउंड अभी साउंड कर रहा है।
सो गाइज अभी आप लोगों ने सुना है इसका एग्जॉस्ट साउंड। और गाइज अब हम पूछते हैं रवि भाई से कि ये बाइक किन लोगों को वो रिकमेंड करेंगे, किन लोगों को लेनी चाहिए और किन लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ले लेनी चाहिए या नहीं। तो ये बाइक जो है मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन उनके लिए। हाँ। और प्लस इसके अलावा भी आप अदर बाइक्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ऑप्शन देख सकते हैं। देख सकते हैं, बेटर है। अच्छा, इससे बेटर भी मिल सकता मिल सकती है आपको। अच्छा, इस रेंज पे जो है आप अदर गाड़ी भी देख सकते हैं। अच्छा, तो रवि भाई का कहना है कि आप इस बाइक के अलावा भी और बाइक्स भी देख सकते हैं, मतलब इससे अच्छी भी मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं आज की डेट में मार्केट में और नई नई भी लॉन्च होती चली जा रही हैं। तो गाइस अभी आप लोगों ने जैसे कि देखा तो हीरो की जो बाइक्स है जो कि मैंने ऑब्जर्व की है अभी तक, तो हीरो की बाइक्स जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है मेंटेन करने में, ये बहुत ईजिली मेंटेन हो जाती हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कॉलेज गोइंग बंदे के लिए बहुत आरामदायक होती है और माइलेज ओरिएंटेड मोटरसाइकिल होती है। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं और आशा करता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल गए होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच रवि भाई वीडियो में आने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए। बिल्कुल गाइस, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड।